स्कूल प्रबंधक समिति का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें चौधरी सरताज सिंह निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। काफी अटकलों के बाद आखिरकार आज छजलेट ब्लॉक के कुरी रवाना स्थित आदर्श पूर्व माध्यमिक विद्यालय प्रबंधक समिति का चुनाव संपन्न हो गया। चुनाव में अध्यक्ष पद की दौड़ के लिए चौधरी सरताज सिंह और करण सिंह आमने सामने थे, जिसमें अध्यक्ष पद की कुर्सी हाथ लगी चौधरी सरताज सिंह के। वहीं करण सिंह ने बताया कि चुनाव में धांधली की गई है और हमारे 4 सदस्यों को मत का प्रयोग करने से वंचित किया गया है। मैं अध्यक्ष हूं इसका, आजीवन सदस्य भी हूं। जी, इनके सब फर्जी रिकॉर्ड है, इनके पास फर्जी तरीके से 25-25 लाख रुपए लेकर ये प्रबंधक ने रखे हैं, क्योंकि जितेंद्र ने मुझसे बताया था, जब उसकी शिकायत आई, बोले साहब हमने रुपए दिलवाए हैं, हम हट जाएंगे, हमें पैसे दो, दिलवा दो। हमने कहा हमारे सामने नहीं है पैसे, तुमने दिए हैं, फर्जी डिग्री है तुम्हारी, तुम तो निकलोगे। बर्तन के खिलाफ हमने दरख्वास्त लगाई थी, चुनाव करवाया गया, कार्यकाल पूरा हो गया। इसके खिलाफ और बीएससी साहब के खिलाफ और जो फर्जी स्टाफ रखा उसके खिलाफ 4 अप्रैल को मीडियम के माध्यम से सभी अखबारों में दिया गया है मिंडे अली और सरताज करण सिंह की शिकायत पर ये निलंबित किए जाते हैं। वहीं जीत की खुशी से लवरेज चौधरी सरताज सिंह ने बताया चुनाव में धांधली के लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। जिन 4 सदस्यों को लेकर बवाल खड़ा किया जा रहा है, उन सदस्यों ने सदस्यता शुल्क जमा नहीं किया था, जिसके चलते इनकी सदस्यता रद्द की गई। अब हमारा उद्देश्य बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है। चुनाव में मत होगा तो मत ही नहीं पड़े, निर्विरोध चुनाव हुआ तो ये अहम जिम्मेदारी आपको मिली है, इस जिम्मेदारी को किस तरह से निर्वाह करेंगे आप? हम इस जिम्मेवारी को स्कूल के विकास के लिए, जो वहाँ पे बच्चे आते हैं उन्हें अधिक से अधिक नई नई शिक्षा की विषय में नई जानकारी देंगे, और अभी इससे चुनाव से पहले विवाद बहुत था कमेटी के अंदर, कुछ काम अगर करना चाहते थे तो कुछ तत्व ऐसे थे जो काम करने नहीं देते थे। अब आगे हमारा प्रयास यही रहेगा कि अधिक से अधिक तरक्की करी जाए स्कूल की, आने वाले समय में बच्चे बाहर दूसरे गांव पढ़ने न जाएं, यहीं पर पढ़ें और अच्छी सर्विस प्राप्त करें।